कुछ देर पहले आपको बताया कि बेज़ुबान जानवर पे अगर आप रहम करेंगे तो आपका दिल जो है नरम होगा। हमारे हुजूर ने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को गुस्ल देना चाहिए, मैयत को गुस्ल देना चाहिए, कब्रिस्तान जाते रहना चाहिए, जनाजा पढ़ना चाहिए, कंधा देना चाहिए। ये क्यों फरमाया? इसकी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब इंसान कब्र में जाएगा, देखेगा लोगों को, जब मुर्दे को नहलाएगा, गुस्ल देगा, जब कंधा देगा, तो वो सब चीज़ें दिखेगा कि यार ये लखपति था, अरबपति था, खरबपति था, मैं गया है तो चार कंधे पर जा रहा है, मोहताज हो कब्र में उतारने का। उसको हर चीज़ का मोहताज किया हुआ अल्लाह ताला ने। तो लोग अगर गुस्ल देंगे तो उनका दिल खुद ही नरम रहेगा, वो तकब्बुर नहीं करेंगे, वो गुरूर नहीं करेंगे, वो किसी का हक नहीं खाएंगे। और किसी का हक खाना, किसी पे बोताल लगाना, किसी पे को धोखा देना, ये बहुत बड़ा अजाब है, लोग समझते नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि आपके रिश्तेदार हैं दो किस्म के, एक वो जब आप मालदार होते हो, जब अच्छा कमाते हो तो वो आपके हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं और आप गरीबों से मिलते नहीं हो। जब कोई मुसीबत आती है, कोई मैयत आती है, तो वो जो मालदार आपका रिश्तेदार था वो आपके करीब नहीं होगा, मगर जो गरीब होगा ना वो आपके साथ होगा कब्र तक, वो आगे से आगे होगा। तो कहते हैं कि आप अमीर गरीब का फ़र्क ना रखें। जब अमीर गरीब का फ़र्क आपके अल्लाह ने बता दिया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हज के मौके पे, हजतुल विदा के टाइम पे, कि अमीर को गरीब पर, अच्छा गरीब को, हाँ गरीब को अमीर पर, अमीर को गरीब पर कोई फुकियत नहीं है, बल्कि अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फुकियत नहीं है। तो जब हमारे दीन इस्लाम ने किसी में फुकियत नहीं रखी तो यार हम कौन होते करने वाले? मगर हम काला गोरा पैसा गरीब इससे बाहर निकल नहीं रहे। कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ आपको बहुत मुसलमान मिलेंगे, मगर जिस तरह की हमारी कहते हैं अल्फाज ऐसे हैं कि हम समझ, हमसे ज़्यादा जन्नती कोई है ही नहीं। मगर हमारे अमलन अगर देखा जाए तो हम वो जो मुल्क है जहाँ नॉन मुस्लिम है उससे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सारी जो चीज़ें हैं सो पीसेज में फॉलो कर ली हैं, हमारे साहब रसूल को, हमारे रसूल को फॉलो कर लिया और हमने जो है अपनी एक दुनिया बना ली है। वो कहते हैं ना कि जुल्म की डेफिनेशन क्या है, तो जुल्म वो होता है, कहते हैं ना कि किसी चीज़ की ज़्यादती जुल्म कहलाती है, अब वो चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, कोई भी चीज़ हो। सही बात है। हम थोड़ा तस्वीर बना करके बताया कि भाई ये नफा आराम है, ये जायज़ नहीं है, ये तुम बुत बनाया हुआ, तुम लोग बोले हमारे से।